We have an unusual guest in this video. Hello! Hello, fellas. Hi. Hi, Kirti. Hello. आवाज आ रही है? Yes, yes. Hello. Hi. अच्छा कीर्ति ब्रो, यार एक बात बता भाई, कितनी गेम्स खेली हैं आज तक जिंदगी में? हाँ, आपको शायद पता नहीं है बट मेरा एक गेमिंग चैनल हुआ करता था, फॉर द गाइज हु डोंट नो, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. इट्स बेसिकली मी फकिंग अराउंड द माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, जिससे मैं हार्डली एक महीने में ही बोर हो गया. ओह सैड. अरे वो फोर्टनाइट चैनल क्या? बोला तो अभी इट्स माइनक्राफ्ट. हाँ, कभी कभार फोर्टनाइट भी तो चलता था उस पे. कहाँ देख लिया फोर्टनाइट. तो वो नूब बंदा कौन था? अरे किसका चैनल देखा था मैंने? इतना भी नूब नहीं हूँ, ठीक है ना, मतलब आता है थोड़ा थोड़ा. मैं भी वही हूँ, उसी लाइन में आता हूँ, नूब वाली में. मैं थोड़ा चौड़ा होने की कोशिश कर रहा था, 4 मिलियन है ना मेरे. ठीक है ना, हो जाएंगे मेरे भी. ओल्ड गेम्स वर्सेस न्यू गेम्स, कौन सा पसंद है आपको? अरे अगर नॉस्टैल्जिया फीलिंग चाहिए तो यार ओल्ड गेम्स ऑब्वियसली. और आई मीन देखो, ऐसे ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, बट यार जो न्यू गेम्स आ रही हैं उसमें हमें अमेजिंग कलर्स, ग्राफिक्स, और भाई साहब ग्राफिक्स के नाम पे न्यूडिटी आता है न्यू गेम्स में, ठीक है. आई मीन उसके लिए भी मैं मना नहीं कर रहा, नो वरी. मतलब वो तो पहले भी आता था, वाइस सिटी में देख लो आप. मैं तो बचपन से वही करके बड़ा हुआ हूँ, फैनी मैग्नेट, यू नो. ओके, तो वो ना वो बिकनी कॉस्ट्यूम्स भी हमारे लिए फुल पॉन था, ठीक है. वो भी गेट बंद कर करके मम्मी पे ध्यान देना पड़ता था कि कोई घर में ना अंदर ना आ जाए, कमरे में कोई देख ले मुझे. अरे तो उस टाइम पे तो वो वैसा वाला होता था ना, लाइक वैसा ट्रायंगुलर शेप वाले, काइंड ऑफ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? या अभी तो पूरा रियलिस्टिक विद फिजिक्स एंड विद यू नो केमिस्ट्री व्हाटएवर. तो इसीलिए तो न्यू गेम्स पसंद है. लेकिन अगर नॉस्टैल्जिया फीलिंग चाहिए, लाइक हमने कितनी अमेजिंग गेम्स खेली हैं बचपन में, फॉर एग्जांपल प्रिंस ऑफ पर्शिया. अरे वो टाइम. आपने अभी भी सीरीज निकाला है ना उसका? या ढाका, माय फेवरेट विलन, लाइक उससे बेस्ट भयंकर खतरनाक विलन कोई पैदा नहीं हुआ मेरे लिए भाई. हॉन्टेड, ओके एक सेकेंड. ढाका सबसे बैडएस विलन था, उसने मेरे ड्रीम्स में आके मुझे इतना डराया है ना बचपन में, कसम से. नहीं, उससे भी एक बैडएस विलन है. कौन? सुजैन वोच की, क्या है उसका सरनेम? हाँ, उसे भी कह सकते हैं हम. उसने भी हमारी जिंदगी हराम करी रखी है वन वे और दी अदर. मेरा चैनल नहीं समझा यार उससे, I mean, मेरा चैनल भी तो हैक हुआ था. अरे आपको फिर भी मिल गया ना, कितने दिन में? 2 दिन में. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका 30-30 दिन, 40-40 दिन में वापस आया चैनल. या मेरा अगले दिन ही आ गया था, थैंकफुली. आप बड़े यूट्यूबर हो ना इसे. अच्छा. यूट्यूब पार्शियलिटी कन्फर्म? नहीं, मैंने डंडा दे दिया था हर जगह, दुनिया भर के मैसेज फेल दिए थे, मेरी ऑडियंस खा गई थी उन लोगों को रात भर में. 12 बजे चैनल हैक करने की हिम्मत कैसे हुई इस हैकर की? उसे लगा था हम सोते हैं. नहीं, हम जागते हैं, हम बिकनी मॉडल्स को देखते हैं इंस्टाग्राम पे. देयर इज अ गेम आई वांट टू सजेस्ट दैट यू शुड प्ले. कौन सी? ठीक है, विचर 3. इसके पीछे एक स्टोरी है, लेट मी टेल यू द स्टोरी. ओके, तो बीच में मेरी एक वीडियो आई थी कॉमेडी के ऊपर, कॉमेडी हम शर्मिंदा है, काइंड ऑफ ऐसा टाइटल था. तो वो वीडियो कभी आने वाली ही नहीं थी. उससे पहले एक स्टोरी टाइम प्लान किया था मैंने, एंड मैं उसी पे काम कर रहा था. बट पता नहीं क्या हुआ, मेरे से ड्राइंग नहीं हो रही थी. तो मतलब कभी कभी होता है ना, आपको भी होता होगा. या मैं काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ऐसी की तैसी, वो वाला फेस. तो 1 महीना मैंने कुछ किया नहीं, पता है इतना गंदा वाला क्रिएटिव ब्लॉग आ रखा था मुझे. 1 महीना मैंने कुछ नहीं किया, वो वीडियो जो स्टोरी टाइम बनाया था उसको भी आधा बना के छोड़ दिया. उस टाइम पे बहुत लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि अगर तेरे को क्रिएटिव ब्लॉग आ रहा है तो कुछ नया कर. तो उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई तू गेम खेल, गेम ट्राई कर. तो मैंने विचर 3 खेली थी, एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट गेम. मतलब वो वन एंड ओनली न्यू गेम है जिसने मुझे पुराने गेम का वाइब दिया. एंड द स्टोरी, द वॉइस एक्टिंग, द ग्राफिक्स, द RPG मैकेनिक्स, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट अबाउट दैट गेम. मुझे पता नहीं आपने अभी तक वो खेला क्यों नहीं है. इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ दिस डिकेड. ओके, मेरी बारी. तुम मेरे को पता है सच में क्या, मेरे को इतने सारे सजेशन आए हैं उस गेम के, लाइक खेल पीस बॉय, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग विचर 3 यार. एंड मुझे मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने भी वो गेम सजेस्ट करी है कि शुभम यार भाई तू गेमर है, मैंने सुना यूट्यूब पे, यार व्हाट द हेल यार, विचर 3 नहीं खेली यार तूने.
एंड यू आर सेइंग द सेम थिंग. तो मुझे लगता है कि या मुझे खेलनी चाहिए. कई लोगों ने मुझे बताया उसमें न्यूड सीन्स भी हैं. यस आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू फॉर द सजेशन. न्यूड सीन्स तो बहुत हैं. ओह यस, जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो हम गेम्स में करेंगे. डेफिनेटली विचर 3 खेलने वाला हूं मैं अब. ओके, सो अगर आपको कोई वीडियो गेम का पावर चाहिए होगा, ठीक है, सुपर पावर, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? कौन सा सुपर पावर चाहिए आपको? और यार ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इतनी अमेजिंग पावर्स है ना एग्जिस्टेंस में. आई मीन नहीं है, बट ऑब्वियसली गेम्स में तो बहुत सारी अमेजिंग पावर्स होती हैं. तो ये इनविजिबिलिटी, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन बाय चांस अगर किसी ने हमें बाथरूम में पकड़ लिया तो भाई साहब वो मग्गे मारेगी सर पे, तो अच्छा नहीं रहेगा. बट आई थिंक ये इनविजिबिलिटी ना, ये इनविजिबिलिटी का पावर ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बिकॉज सबको ही उसको उसी से जोड़ देते हैं कि हाँ ये तो वॉशरूम में चला जाएगा, गर्ल्स वॉशरूम में जाके झाकेगा. बट आप कुछ भी कर सकते हो यार. आप सोचो आप किसी दुकान में चले गए, आप वहाँ उसके वहाँ से निकाल के खा सकते हो, आप एग्जाम के पेपर्स पहले से देख के टॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप. या ऑब्वियसली अगर हम इनविजिबल हैं तो मैं एग्जाम के पेपर्स क्यों देखूंगा? व्हाट द हेल, मेरे को जरूरत ही नहीं है वो सब करने की. आई मीन आई एम इनविजिबल ना, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, इसका मतलब मैं एग्जाम्स क्यों दूंगा फिर? ओके, आई थिंक आई लिव इनसाइड अ बॉक्स, आई कांट थिंक आउटसाइड. ओह आई थिंक अगर मुझे ये इनविजिबल पावर मिल गई तो मैं, मेरी थिंकिंग ही कुछ अलग है. आई मीन मैं ऐसी ऐसी चीजें इमेजिनेशन में ला रहा हूँ कि ओह डैम. रिसेंटली PUBG बैन हो गया था. ओह सैड, सो सैड. Sad moment, guys. Rip. What was your first reaction? Like, सच्ची वाला first reaction बताओ. Okay, honestly बताऊँ तो जब मैंने ये news सुनी, मेरे mind में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि जितने भी YouTube channels सिर्फ PUBG पर based हैं, like उनका full YouTube channel PUBG से चल रहा है, वो अब क्या करेंगे? Like उनके mind में इस time क्या चल रहा होगा और अब उन्हें मजबूरन like change करना पड़ेगा अपना game, और उनकी audience कैसे react करेगी? Like कई लोगों ने कहाँ change किया? कई लोगों ने नहीं किया and That is bad, यार. Seriously, ऐसा नहीं करना चाहिए. Like, जो चीज बैन है उसे तुम क्यों देख रहे हो? मुझे पता है पॉन बैन है लेकिन तुम फिर भी देखते हो. लेकिन सही में कुछ कुछ चीजों के साथ नहीं करना चाहिए. कहाँ बैन है यार, कहाँ बैन है? वो तो बस बात चल रही थी, थोड़े दिन के लिए किया था, फिर उन लोगों ने अलग डोमेन निकाल दिया. ऑल राइट, इससे हमें पता चल रहा है गाइस कि कीर्ति चेक करता रहता है टाइम टू टाइम. अरे नहीं नहीं, इससे हमें पता चल रहा है रात को क्या चलता है. मैंने देखा था, मैंने न्यूज में देखा था. ओके, मेनी पीपल विल हेट मी व्हेन आई से दिस, बट जब PUBG बैन हुआ था ना तो मेरे से ज्यादा खुश शायद कोई नहीं था. क्यों, ऐसा क्यों? जैसे ही मुझे न्यूज आया मैंने तो पहले ही ट्वीट कर दिया, आई जस्ट हैड एन ऑर्गेज्म आफ्टर हियरिंग PUBG वाज बैन्ड. ऐसा क्यों? ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन तो होगा? पर्टिकुलर रीजन नहीं था. इट वाज लाइक, क्या बोलूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता था ऐसे फोन में लगे हुए हैं, पब्लिक बसेस में, मेट्रोज में बैठे हुए हैं, गेम पे गेम खेले जा रहे हैं. या आई फील लाइक PUBG बैन की वजह से ना गवर्नमेंट ने लोगों को चांस दिया है अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा देखने का, समझने का और नई चीजें ट्राई करने का. मेरे हिसाब से लाइक पीपल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे इस PUBG में ना. एंड नॉट इवन रियल, मतलब एक सेकंड के लिए अगर आप रियल लाइफ भी छोड़ दो ना तो कॉन्टेंट वाइज भी देखो, मतलब सबके दिमाग में एक होता है ना डोगमा, हमको यही करना है, काइंड ऑफ रिलीजन जैसे हो गया था, तो हमको PUBG ही खेलना है. ठीक है, लाइक एक ये सा बन गया था कि हाँ एक कोई मेन चैनल बनाएगा, फिर एक गेमिंग चैनल बना लेगा और उस पर PUBG खेलेगा. मतलब दिस इज नॉट अ रूल, राइट? तुम सेकंड चैनल में और भी चीजें कर सकते हो ना. ओके, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लाइक बंदा कोई भी गेम पसंद कर सकता है. लाइक यस, फेवरेट्स होते हैं सबके कि तुम्हें नहीं, फेवरेट की बात नहीं है, क्योंकि लोग वही, आप जैसे देखो ना वो जो बड़े क्रिएटर्स है वो अभी तक PUBG छोड़ नहीं पाए. क्यों वो क्या छोड़ना नहीं चाहते? वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी ऑडियंस इतनी टॉक्सिक हो गई है कि उनको वो खेलना ही पड़ रहा है मजबूरी. आई अग्री यार, इस पॉइंट पे आई अग्री बिकॉज द ऑडियंस इज सो टॉक्सिक. सीरियसली मेरे को नहीं पता मेरे को एग्जांपल देना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने कुछ स्ट्रीमर्स को देखा है जिन्होंने लाइक दूसरी गेम्स खेलना शुरू किया था एंड द चैट वॉज सो टॉक्सिक कि उन्हें मेंबर्स ओनली करनी पड़ी थी अपनी लाइव चैट. तो दैट इज वेरी सैड यार, कि अगर कोई क्रिएटर कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश कर रहा है और उसकी ऑडियंस ही उसे खींच रही है तो. एंड बहुत लोग इसे सेंसरशिप बोल रहे हैं, कि मैंने देखा था कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को कि दिस इज सेंसरशिप, दिस इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है, आई हेट सेंसरशिप भाई. मेरे को बहुत ज्यादा नफरत है सेंसरशिप से, किसी भी बैन से मुझे बहुत नफरत है. और ये जितने भी लोग अपनी पबजी को बचाना चाह रहे हैं ना, उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो बाकी बैन को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वो तो सबसे बड़े दोगले हैं, सही बता रहा हूँ मैं. बट एक गुड सेंसरशिप होता है, एक बैड सेंसरशिप होता है. अगर मान लो ये इसमें एक ऐसा चीज़ होता जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं थी और वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको बैन करते, तब वो कह सकते कि वो एक
मतलब बैड सेंसरशिप था, बट इसको इसलिए बैन किया ना क्योंकि ये हमारे डेटा कलेक्ट कर रहा था और किसको किसको वो डेटा सर्कुलेट हो रहा है आपको पता भी नहीं है. तो दिस इज मोर ऑफ आई थिंक अ सेफ्टी प्रोटोकॉल और समथिंग. व्हाट डू यू थिंक यार? देखो अगर मैं सही से बोलूँ तो सेंसरशिप इज ऑल्सो काइंड ऑफ सब्जेक्टिव, यू नो आई मीन जो पबजी वाले हैं उनके लिए मतलब तो ये बैड सेंसरशिप है. आप सोच के देखो ना, गवर्नमेंट का पर्सनल कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? आई मीन पेरेंट्स यार, पेरेंट्स इतना फोर्स कर रहे थे उन्हें कि बैन दिस शिट और किसी मेरे को लगता कोई भी स्टूडेंट कह रहा होगा यस बैन. ना मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ थे हरामी लोग, लेकिन आई डोंट थिंक किसी भी गेमर ने ये बोला होगा कि आप बैन कर दो. वो कोई भी गेम बैन नहीं कराना चाहते. एंड आई फील फौजी लॉन्च हो रहा है, फौजी लॉन्च हो रहा है, जय जवान जय किसान, लेट्स गो. दैट अगर वो लॉन्च भी होता ना तो आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज एक तो मैं खेलता नहीं, दूसरी बात अगर मान लो कोई इंडिजिनियस गेम है भी तो इट वो पोस्टर देख के मेरे को लग रहा है कि दैट इज जस्ट अ बिट टू बिट कॉपी कर लिया है पबजी को, बस नाम हम बदल देगा थोड़ा. या मैंने भी ऐसा सुना था यार. देखो अगर कोई इंडियन अच्छी गेम लॉन्च होती है जैसे कि राजी हुई थी, बहुत प्यारी गेम थी वो गेम अच्छी है क्या? या बहुत, आई मीन अगर मेरी तरह ग्राफिक्स और रिलैक्सेशन वाले बंदे हो, कलर्स पसंद है, अच्छे ग्राफिक्स पसंद है, तो या बहुत अच्छी है वो. एंड राजीव इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर, बाहर के स्ट्रीमर्स भी स्ट्रीम कर रहे हैं. मैंने भी वो गेम खेली है एंड काफी लोगों ने पसंद करी है. अच्छा आपको क्या लगता है, आरपीजी गेम्स वर्सेस ऑनलाइन गेम्स, यार मुझे कौन सा बेटर है? एज अ गेमर मैं दोनों के साथ सेटिस्फाइड हूँ, सही बताऊँ तो. इट डिपेंड्स ऑन टाइम, लेकिन या मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन गेम खेली हैं लाइक सेकीरो. और जब मैं ऐसी गेम्स खेलता हूँ ना, मेरे को बहुत लाइक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता हूँ मैं. फिर मैं मेरे को कोई भी ऑनलाइन गेम खेलने का मन नहीं करता. लाइक स्टोरी गेम्स में मैं फायदा हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्टोरी गेम्स बिकॉज उसमें एक तो मैं बैड नहीं हो सकता, ठीक है. जैसे ऑनलाइन बैटल रॉयल्स में मैं बहुत बुरा हूँ, लाइक मैं उतरा और मरा तो ये सिचुएशन मोस्टली रहती है, रिपीटिव रहती है ये. लेकिन मैं स्टोरी इन्जॉय करना मेरे को पसंद है. और पता है पबजी और जो भी ये गेम्स हैं बैटल रॉयल या ऑनलाइन गेम्स, आई डोंट नो मेरे को कहना चाहिए या नहीं, बट मेरे को लगता है स्टोरी गेम्स से हम ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग. दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट बिकॉज वो गेम कंप्लीट हो जाती है, आपका ऑनलाइन गेम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा. एग्जैक्टली वो हम बाद में भी खेल सकते हैं एंड हमें कभी भी वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग नहीं आएगी. लेकिन अगर हम कोई स्टोरी गेम दोबारा कुछ सालों बाद खेल रहे हैं, भाई साहब वो जो वाइब आती है ना उस टाइम, तुम उसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़. विचर 3 जब खत्म हुआ था ना तो इट वॉज लाइक इट वॉज अ कंप्लीट वॉइड ऑन माई साइड कि अब मैं क्या करूँ अपने लाइफ. या कुछ गेम्स ऐसी बनी है लिटरली जिसे खेलने के बाद तुम लाइक कंप्लीट एम्प्टीनेस, क्या हो गया लाइफ में, कि मैं कितना अकेला हूँ. हाँ कि फाइनली कोई चीज मिली थी जिससे मैं कनेक्ट कर पा रहा था. वैसे मैं खत्म तो हूँ यार अकेला, मतलब क्या ही बोले. ओह सो सैड, पीछे सैड म्यूजिक चला दो यार कोई. एंड आई थिंक ऑनलाइन गेम्स और ज्यादा टाइम भी कंज्यूम करते हैं तुम्हारा. आई मीन अगर कोई भी एडिक्टिव गेम निकल गई तो तुम लोग ऑब्वियसली उस पर टाइम देने वाले हो, क्योंकि उस पर हमेशा ये रहता है कि मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं डबल फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं इन अ रो बहुत बार जीत सकता हूँ. तो ये जो चीज होती है ना, ये बार बार अडिक्ट कर देती है बहुत ज्यादा. नहीं नहीं नहीं, आप आरपीजी से कभी अडिक्ट नहीं हो सकते ना. मतलब मेरा मानना ये है कि आरपीजी में एक स्टोरी होता है, ठीक है, एंड अगर वो स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है ना तो आप उस आपको प्यार हो जाता है वो, ठीक है, उस गेम से. या ये तो है, अगर वो स्टोरी खत्म कर दी तुमने तो तुम वो दोबारा, या तुम उसे ना दोबारा खेल के वो फीलिंग्स को रियून नहीं करना चाहते, ये तो है. हाँ अगर करोगे भी तो बहुत दिन बाद करोगे, बहुत टाइम बाद, या नॉस्टैल्जिक फीलिंग लेने के लिए. एग्जैक्टली आई एग्री. या 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 एक्चुअली अगर ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूँ ना तो मेरा जो सेकंड चैनल था वो मैंने बीच में अपलोड करना बंद कर दिया. या मेरा क्वेश्चन था ये एक्चुअली कि यार इतना अच्छा खासा गेमर निकल के आया था एक एनिमेटर में से, क्या हुआ फिर? अच्छा खासा गेमर मुझे कुछ नहीं आता था. अच्छा वो माइनक्राफ्ट में वो घर भी नहीं बना था अच्छी तरह? अच्छा मैंने सब क्रिएटिव में बनाया था, ठीक है. ओ सैड यार, काहे बात का गेमर क्रिएटिव में घर बना रहा अपना. एंड मैंने लोगों को बोला कि मैंने इसमें बनाया, सर्वाइवल में बनाया. ओ नो भाई, सीक्रेट एक्सपोज्ड. अरे ठीक है ना, तो एक साल पुरानी बात है. अरे दिक्कत यह है कि मुझे मतलब ऐसे एंडलेस गेम्स पसंद ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. एंड लाइक मैं चाहता था कि मैं कोई आरपीजी गेम खेलूँ, वो गेम खेलूँ जो मुझे पसंद है, बट आपको पता है ना आजकल की जो भी आरपीजी गेम्स होती है, जैसे विचर 3 का गेम टाइम ही 50-60 आवर्स है, और डीएलसी को एक्सक्लूड करके. डीएलसी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो मेन गेम ही कंप्लीट करने में 60 आवर्स लगेगा. आप 60 आवर्स का कंटेंट कैसे अपलोड करोगे? आपका एडिट करते करते हालत खराब हो जाएगा.
आई विल डू इट अगर उसमें ड्यूटी है तो यस मैं एडिटिंग करूंगा. यूट्यूब ये कर देगा आपके वीडियो को. मैं लाइव नहीं खेलूंगा, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा. नहीं नहीं मैं और माइनक्राफ्ट नहीं खेलना चाहता प्लीज. मैं नहीं खेल सकता और माइनक्राफ्ट. आई मीन वो तो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स तो कर ही लिया है हम सब ने. आई मीन वो एक्सपेरिमेंट ही तो था जो सेकंड चैनल खोला था ना. एक्सपेरिमेंट नहीं था, मतलब आप देखो ना वो बन चुका था एक क्या बोलूं रिलीजन जैसा. जिसका भी थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा उसको सेकंड चैनल बनाओ पबजी खेलो. सब वही कर रहे हैं. आप देख लो कौन सा ऐसा यूट्यूबर को जानते हो जिनका सेकंड चैनल है और उन्हें वो गेम नहीं खेलते. कौन है वो? कोई है? कोई नहीं है. ये पबजी वालों पे कैसे भड़क रहा है वैसे क्या हो गया? अरे पबजी वाले नहीं यार, मतलब क्या बोलूं सेकंड चैनल. सेकंड चैनल दैट इज नॉट, प्लीज यार दैट इज नॉट वो जो डोगमा होता है ना वो नहीं है. दैट इज नॉट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ यूट्यूब. प्लीज स्टॉप फॉलोइंग इट बिकॉज हम जैसे लोग पीयर प्रेशर में आ जाते हैं उसकी वजह से. हमारी ऑडियंस हमको आके बोलती है कि भाई गेमिंग करो गेमिंग करो. नहीं करना यार, समझ नहीं आता क्या? शांत कीर्ति शांत. मुझे यहाँ पे मैं अपने घर पे बैठा हूँ पर मुझे डर लग रहा है सच में. मेरा मर्डर वर्डर तो नहीं हो जाएगा ना भाई आज? ठीक है सब. मैं डर गया था, मेरा दिल धक धक कर रहा है. मैं जा रहा हूँ एक्चुअली, मैं जा रहा हूँ. नहीं मेरे को डर लग रहा है सच में. अरे गुस्से में इधर उधर निकल जाता. अच्छा अच्छा अबे साले.